प्रदेश सरकार के सियासी संकट की वर्षगांठ का महीना आने वाला है। वो मई 2020 का ही महीना था जब प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ अपने ही डिप्टी सीएम, दो मंत्री और करीब 17 विधायकों ने बगावत का रुख अख्तियार कर लिया था। 1 मई से पहले लगता है कांग्रेस के अंदर की गले फिर से सड़क पर आने वाली है। अपने लेटर बम के जरिए सरकार पर हमलावर रहने वाले संगोद के विधायक भरत सिंह का एक नया लेटर फिर से सुर्खियों में है। चलिए पहले कांग्रेस के विधायक भरत सिंह के लेटर की कुछ सुर्खियां देख लीजिए। राजनीतिक कोर्ट केस कई राजनेताओं पर चल रहे हैं। श्री मीणा के एक गुंडे क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। राजनीतिक कोर्ट केस पर हिस्ट्री शीटर घोषित करना उचित नहीं होगा। दरअसल बारा जिले के पायलट समर्थक युवा नेता नरेश मीणा ने जहां खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर उन्हें हिस्ट्री शीटर घोषित कराने की साजिश करने का आरोप लगाया है, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक भरत सिंह ने पुलिस महानिरीक्षक के नाम लेटर लिखा है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है फिर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा हो। साल 2021 में ये तीसरा लेटर बम है जिसे उन्होंने अपनी ही सरकार पर फोड़ा है। बीते साल मई की बगावत और जुलाई की सुलह के बाद भी सितंबर महीने में भी भरत सिंह ने सरकार पर लेटर बम फोड़ा था, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से सीएम गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा था, लगता है मुख्यमंत्री जी द्वारा कृत फिल्म नकारा निकम्मा का भाग 2 भी जल्द ही रिलीज होने वाला है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था, ये लो जी एकदम ताजा है जी, और पक्का जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये पत्र बीजेपी फॉर राजस्थान ने नहीं लगाया है। माखन चुराया किसने, कब, फिर भी बने हुए है अशोक गहलोत जी, इश्क के इम्तिहा और भी है। आपको याद ही होगा कि मई 2020 में अपने डिप्टी सीएम और उनके समर्थित विधायकों की बगावत का ठीकरा गहलोत ने बीजेपी के सर मढ़ा था। यहां तक कि अपने तत्कालीन डिप्टी सीएम को लेकर उन्होंने जो कहा वो शायद ही कभी विपक्ष ने भी कहा होगा। आरोप प्रत्यारोपों के बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने पायलट के साथ ही बागी हुए विधायकों की कांग्रेस में वापसी कराई। पायलट भी अपना पद गंवाकर अपने ऊपर लगे लांछनों के बावजूद भी अपने शब्दों को संयमित ही रखा। साल भर होने वाला है, पायलट ने भले ही अपना मुंह ना खोला हो, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे विधायक हैं जो समय समय पर आज भी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर लगता है कि प्रदेश की सरकार का सियासी संकट बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।